अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजरमान और आप देख रहे हैं मुजरमान यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसआरजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में, जो कि न्यू कंपनी आ चुकी है जिसका नाम है सिक्योर रिवनेक्स। ठीक है, अब ये कंपनी चेंज हो चुकी है और इसके अंदर ए और बी प्लेन है, जो कि हमें अब एसआरजी ग्रुप ऑफ वाले जितने भी थे उनको अब आपको शिफ्ट किया जा रहा है इस कंपनी के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या पॉलिसी है, किस तरीके से आप बी प्लेन में जा सकते हैं, ए प्लेन में जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जो हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई वो क्या करें। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ मिलने वाला है, पर उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाके इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। अच्छा जी, तो सबसे पहले लोगों का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा ये है कि भाई हम यहाँ पर प्लान कैसे लें और हम यहाँ पर रजिस्टर्ड कैसे हों। काफ़ी सारे लोगों को जो है लिंक का भी नहीं पता कि लिंक है कौन सा, क्योंकि इसके अंदर दो कंपनियाँ हैं। बात मेरी याद रखना, एक वो है जो कि स्कैम वाली है, एक वो है जो कि ओरिजिनल है। ठीक है, हमें जाना ओरिजिनल की तरफ। तो ओरिजिनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस क्लिक करोगे तो आपका वो पेज सामने आ जाएगा। पेज कौन सा सामने आएगा, पेज आपका इस तरीके का आएगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप चेक कर लें। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अच्छा उससे पहले आपके नीचे जो है ना रजिस्टर्ड लिखा हुआ होगा, तो जब आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुलेंगे। ऑप्शन कौन कौन से होंगे जिसको आपको फिल करके सबमिट करना है, वो होगा आपका नेम, आपका जो एसआरजी की जो आईडी थी वो, और जिसके आप रेफरेंस पे थे। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं किसी की टीम लीड में हूँ तो उसकी बंदे की जो आईडी है वो आईडी भी मुझे पता होनी चाहिए, जिसको आप पेरेंट आईडी कहते हैं। ठीक है, तो वो आईडी भी उस बंदे की पता होनी चाहिए आपको। तो अगर आप मेरी टीम के अंदर हैं तो आपको मेरी आईडी पता होनी चाहिए, आप पेरेंट आईडी में वो लगाएंगे और ऊपर जो अपनी आईडी लगाएंगे, नाम, अपनी आईडी, फिर उसके आईडी जिसके आप रेफर पे हो, फिर अपनी जीमेल, जिस जीमेल पे आपका अकाउंट था, और उसके बाद आपका ए प्लान या बी प्लान आप वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दोगे। सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, 14 दिन का आपको जो है वो टाइम दिया जाएगा उसके बाद के, भाई 14 दिन के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो हम रजिस्टर्ड कर देंगे। अब क्या करना है, अब मेन मसला ये है कि ये तो आपने कर लिया, अब अगर आपने कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, अगर आपने जीमेल गलत लगा दी, आपने पेरेंट आईडी गलत लगा दी, आपने अपनी आईडी गलत लगा दी, या आपने प्लान ए सेलेक्ट करना था आपने बी कर दिया, बी करना था ए कर दिया, तो अगर ये सारी चीज़ें आपने कर दी, नेम में कोई मिस्टेक कर दी, तो उनको सही करवाने के लिए आपके $10 लगेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से करना, ठीक है, और इसके अंदर कोई गलती नहीं करना। अगर आपको नहीं पता तो आप सब्र कर लो, एक दफ़ा जब ये सिस्टम चल जाएगा तो ये कि आपको भी कहीं ना कहीं से आपकी आईडी और आपका जो भी आपके पास चीज़ नहीं है वो आपको पता चल जाएगी, तो आप जब लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल कर लेना। मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी एक छोटी सी गलती की तो आपके जो है वो $10 के बाद जाके सारे मसले ठीक होंगे, क्योंकि मेरे दो अकाउंट खुद जो है वो मैंने अभी तक ओपन नहीं किए, मैंने उनको रजिस्टर नहीं करवाए। उसकी सिर्फ इतनी सी वजह थी क्योंकि मुझे उसमें कुछ लग रहा था शायद मैं कुछ भूला हूँ, या मुझे नहीं सही से याद आ रहा है कि आईडी यही थी या क्या था, तो इस वजह से मैं सब्र कर रहा हूँ और मैं स्क्रीनशॉट भी पुराने ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मिल जाए तो मैं वो दो अकाउंट भी अपने रजिस्टर्ड करवा लूँ। पर अगर नहीं खुलते तो मेरा जो ओरिजिनल खुद का अकाउंट है मैं वो खोल के भी उन दोनों अकाउंट को उसके बाद करवा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे खुद रेफर के ऊपर बने हुए। ठीक है, तो पेरेंट आईडी का मसला नहीं है, उनकी मेन आईडी का मसला है, जीमेल का भी मसला है कि मुझे याद नहीं है कौन सी जीमेल मैंने लगाई हुई थी, तो ये सारी वजह है। तो आप लोग खैर देख के करना, या अगर जिनको अभी नहीं समझ आ रहा है या वो नहीं उनको याद आ रहा है कि भाई मेरी ईमेल क्या आती है, मेरे पासवर्ड क्या थे, जो भी था, तो वो लोग अभी मत करें, अभी आप लोग फिर सब्र कर लें। उसके अलावा आप 14 दिन तक आपको वेट करना है इंशाल्लाह, तो जैसे ही आपकी वेबसाइट खुलेगी वैसे ही आपके पास भी खुल जाएगी। तो खैर ये थी जो है आपकी एक मेन वीडियो जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें बताई। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें ये काम कैसे करता है, आपको पहले भी राजा साहब ने भी बताया है, मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि कंपनी काम ऐसे करेगी जो प्रॉफिट होगा, अगर आपने $1,000 लगाएं या आपने 1,00,000 रुपये लगाएं तो ये आपको 3.5 लाख से 4 लाख रुपये तक देगी, मतलब 3.5x या 4x तक आपको ये प्रॉफिट देगी 36 मंथ के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन काम होने वाला है इंशाल्लाह, और उम्मीदें हमारी भी कि भाई हमारा जो काम है वो ऐसे ही सक्सेसफुल चलता रहे, और आई होप कि ये सब कुछ अच्छा हो। आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सब्र किया है, और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो अभी प्लान ए में रहना चाहते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लान ए में रहो। ठीक है, पर अगर आप 1-2 महीने आप देखते हो कि भाई ये सब कुछ कंपनी सही है, प्रॉपर विड्रा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो मेरी मानना आप इस कंपनी में आ जाना, उस चक्कर में मत पड़ना कि आपको पता नहीं कब पैसे मिलेंगे, कब होगा। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में यही कहा था
कि कब उनके अकाउंट खुलते हैं, कब वो आपको पैसे देंगे, कुछ भी नहीं पता, टाइम लग सकता है, ठीक है। तो उससे बेहतर ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया ना करो, जो मिल रहा है वो ले लो, जब वो मिलेगा वो जब की जब है, ठीक है ना। तो कल तो किसी ने देखा नहीं है, तो ये सारी बात है। फिर भी ये कि आप लोगों के लिए दुआएँ करेंगे, जो भी आपके लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेहतर हो, तो ये कि दुआओं में याद रखना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।